यारों हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात कैसे हुई और आज उनकी कब्र कहाँ मौजूद है, आइए यही सब जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया कि ऐ बेटो, जन्नत के फलों को खाने का दिल चाह रहा है, तो इसीलिए बेटे चले गए ताकि जन्नत के फलों को ढूंढ कर ला सके। मगर रास्ते में ही उनको फरिश्ते मिले जिनके पास तदफीन का सामान था। फरिश्तों ने आदम के बेटों से पूछा कि तुम किस चीज की तलाश में जा रहे हो, तो उस पर बेटों ने कहा कि हमारे वालिद मरीज हैं और वो जन्नत के फलों को खाना चाहते हैं। तो फरिश्तों ने कहा कि वापस चलो, तुम्हारे वालिद का वक्त आ गया है। ये सुनकर वो सब वापस आ गए, जिसके बाद फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली और फिर उन्हें दफनाने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया। आपको बताते चलें, स्कॉलर्स का आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को लेकर आपस में इख्तिलाफ है। मशहूर ये है कि वो श्रीलंका की एडम्स पीक पहाड़ी के पास ही दफन है कि जहाँ पर भारत में उन्हें उतारा गया था, और कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि मक्का में अबू कुबैस माउंटेन के पास इनको दफनाया गया था। जबकि इब्ने जरीर का कॉल है कि नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब तूफान आया तो उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा की मैयतों को निकालकर बैतुल मुकद्दस में दफना दिया था।